कोरोना महामारी के बीच जहां कोरोना संक्रमित मरीज ऑक्सीजन की किल्लत के चलते दम तोड़ गए, तो वहीं अस्पतालों में वेंटिलेटर न मिल पाने से भी सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई। लेकिन जनपद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर तो मौजूद हैं, बस उन्हें ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं, अर्थात बंद पड़े हुए हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर मंडलीय स्तर के अस्पताल का यह हाल है तो अन्य जनपदों का क्या होगा। जब इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक से पूछा गया तो बोले कि उनके यहाँ 11 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन टेक्निकल स्टाफ की कमी है, स्थानीय कर्मचारियों से ही काम चलाना पड़ता है। इसकी बॉक्स में 11 वेंटिलेटर हैं, सभी इंस्टॉल करके वर्किंग कंडीशन में हैं। नहीं, अनइंस्टॉल नहीं, वो इंस्टॉल्ड हैं। जब मरीजों को आवश्यकता पड़ती है तब लगाए जाते हैं, इंस्टॉल्ड रखे हैं वो। क्या ऑपरेटिंग के लिए अलग से स्टाफ होता है तो क्या? हाँ, होता है, थोड़ा स्टाफ की कमी है इसीलिए कभी परेशानी हो रही है अक्सर। उसके लिए टेक्निकल स्टाफ होता है जो कि उनको ऑपरेट करता है। मरीज ने एक बार लगा दिया गया तो बराबर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जब तक बराबर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो परेशानी होती है। उसके लिए स्टाफ की कमी है, कुछ स्टाफ हमारे स्टाफ नर्स को ट्रेंड किया गया उसी में से, तो जब ज़रूरत होती है उन्हीं स्टाफ नर्सों के द्वारा उस कार्य को कराया जाता है।